अरे तेरे माथे में बढ़ती न रहे और सुजागत फिर से। अरे चार दिना की चमक चांदनी क्या का गमन करे सरे, चार दिना की चमक चांदनी क्या का गमन करे से। तेरे माथे में बड़े तीन रहे और सुजागा फिरे से, चार दिना की चमक चांदनी अरे क्या का गमन करे सरे, चार दिना की चमक चांदनी क्या का गमन करे से। मैं बड़ तीन रहे सुजागात फिरे से, अरे चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। पहली बात मैंने बोला कि कभी क्या घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करनी है बड़े बड़े कौन आ रहे। न्यू बताया हमारे बड़े बुजुर्ग न्यू कह करे हमारे समाज में तीन चार चीज है जो पूरी उम्र से देंगी दुख देंगी, कौन कौन सी। छोटी बेली, खेत में गैली, दारू की थैली और राम रही मर की चेली, सारी उम्र से देंगी। हमारी माता बाण जाओ बाबा दो संकट कटवाने को, बाबा संकट काटिए रे बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मार रहे तारे कितना संकट काटेंगे। पहली बात मैं कभी नहीं बोला कि इंसान ने घमंड नहीं करना चाहिए। अगर इंसान न्यू माना भाई तेरा दो पैसा है तू तगड़े पीछे वाला रईस आदमी है वो भी सदा नहीं रहना के दर्शाया। पहली बात में कैसे मान लिया, अरे मान लिया तेरा धन भी से, मान लिया तेरा धन भी से या बड़ी बात नहीं से। यो धन वैश्या के भी हो जा जिका जात जमात नहीं से। कर्म करया दंड पड़े भोगना या तेरे हाथ नहीं से। मात पिता, अरे मात पिता तेरी बहु लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से। मात पिता तेरी बहु लाडली कोई भी साथ नहीं से। उस नगरी में ले जाया जगा ये रे 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 रे, उस नगरी में ले जाया जगा जो कई कोस पड़े से। तेरा धन भी से बड़ी बात नहीं से, यो धन वैश्या के भी हो जाए जी का जात जमात नहीं से। कर्म करया दंड पड़े भोगना या तेरे हाथ नहीं से। इंसान ने जो कर्म कर रखे भोगने पड़ेंगे। जिस प्रकार तुम भी कोई मुकदमा कर दो किसी गैल कोई गलत काम कर दो कोर्ट में केस कर देगा, लेकिन कोर्ट में तुम टेबल तले का नोट पकड़ा दोगे वो मामला रफा दफा, लेकिन ऊपर टेबल तले नोट नहीं चलेंगे। जो कर्म इंसान ने कर रखे भोगे सरेगा। जिस प्रकार तुमने कोई कमरा ले लिया और कमरे में तूड़ा भर दिया आगे पुराना तूड़ा और पीछे का भर दो नया तूड़ा, तो जब आग ले एट में का जब तक वो पुराना तूड़ा नहीं लिगड़ेगा इतना वो नए आड़े का नंबर नहीं आओगा। उसी प्रकार हमारे कर्मों का कोठा है। जिस प्रकार वे अच्छे कर्म चालते रहेंगे न्यू कहेंगे न्यू भाई फलाने की वह बूढ़ी जीव थी इतना तो टोटे में बेकार रहे सिड़े पड़े कुछ खान न दाने नहीं थे, अरे बूटी मरते सब क्या का खकाट उठे एकदम तो कोठी बना ली तगड़े पीछे आले हो गए। न्यू को ना बूटी को जड़ थी या बूटी कसूनी थी ना, वे अच्छे अच्छे कर्म
जो भुंडलीय कर्म थे वे निमड़ लिया, अच्छेलिए कर्मा का नंबर आ गया। इसी कोई बात को ना इंसान न्यू करे कि भाई तेरे दौरे पीछे घमंड करे, पीछे सदा नहीं रहने। इंसान न्यू घमंड करे कि भाई तू जवान है, तेरी जवानी तू शरीर है तेरा सुंदर है, जवानी भी सदा नहीं रह रही। वो भी पंडित दादा लक्ष्मीचंद ने एक बात कही है कि नर कर आगे का ख्याल, मतना चौड़ा होकर चाल, बुढ़ापा बैरी आवगा के खेल खिलावगा। दूसरी बात में के दर्शाया कैसे खून रहना आवे बुढ़ापा, खून रहना आवे बुढ़ापा और ऊंचाटी होगी बेटे और फिर बेटे और बेटा की बहुत है तबीयत खाटी होगी। आख्या ते आए आख्या ते तन कम सूझेगा तेरी रे माटी होगी। कोई भी अरे कोई भी ना पकड़े आंगली अरे हाथ में लाठी होगी रे। कोई भी ना पकड़े आंगली हाथ में लाठी होगी। कहया करे न्यू थके सिर के रे 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 हाय। कहया करे न्यू थके सिर के नरगा पास रे से और चार दिन की चमड़ी चालनी आका घमंड करे से। चार दिन की चमक चालनी आका घमंड करे से। रागनी पे घुस होकर शायद रागनी समझ में आई, बढ़िया लगी। मेरे बाबू से जगराम पंच 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के आप मान सम्मान करो। तीसरी कली में बताया, तीसरी कली आपके बीच में सुना, उससे पहले एक बात याद आ गई। वो एक बाबा था, उसने आदत पड़गी बात बात पर न्यू कहने की, हलवा कर लो बना लो हलवा, बात बात पर कोई भी बात होने को बना लो हलवा। रोड पे जा, अब एक कछोरा आया था, अरे भीड़ सी हो रही। बाबा गया ना भाई के सांग हो रहा, क्यों भीड़ लगा रखी है? बोले बाबा लड़का होया है, छठी है। बोला बड़ी अच्छी बात, बना लो हलवा। हलवा बना दिया बाबा ने, खुआ दिया भाई, बाबा कह रहा है तो बना लो हलवा। खा का आगा गया, वो एक का ब्याह था, भीड़ सी हो रही। बाबा ने पूछा नु के जुगाड़ है? बोले भाई ब्याह हो रहा बाबा। बोले अच्छा बड़ी अच्छी बात, ब्याह हो रहा है तो बना लो हलवा। फिर बाबा ने हलवा खुआ दिया। अब आगे सी गए, एक का भाई मर रहा था जवान, और वह भीड़ सी हो रही। उसने रोड पर लेटा गया, सारे रोड लाग रहे। बाबा गया, एक का हाथ मारा नु भाई के सांग के हो रहा है? अच्छा अच्छा मेरी मौसी जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, एक बार जोरदार ताली बजा के मान सम्मान करो। वो अब पीछा था तो ब्याला का लुआ खाया, बाबा ने स्वाद आ रहा बढ़िया। बाबा ने कित के टिकट पोने थे, आगे गया वो एक मरिया पड़ा, हाथ मारा भीड़ सी हो रही, देख के नु भाई के सांग के हो रहा? बोले भाई बाबा मेरा भाई था, जवान भाई था, अरे एक ही भाई था, काल एक्सीडेंट होकर मर गया, ये बलास आई है, बड़ी दुख की बात है। बोले अच्छा दुख की बात है तो बना लो हलवा। अभी इतनी कहन की देर थी, बाबा की पकड़ का गुद्दी लेके रोड पर दे कुछ बाबा सुझा गेरा, और रोड पर बेहोश करके गेर के बाबा उठा भी नहीं जा रहा। थोड़ी देर में एक आया डोलता नु, हाँ बाबा के जुगाड़ है क्यों पड़ा? बोले भाई के राग है बाबा नू तो बता, तेरा खून भी आ रहे हैं और तेरा भुंडा हाल हो रहा, क्या हो गया? बोले भाई बना गया लोहा। तो आदत का ईशा काम, आदत नहीं रखनी चाहिए। तीसरी कली में आज की डेट में ईशा सांग हो गया, किसे ना टोक लो वो नुकागा बदमाश हो, घमंड में डोले जागा। वो एक बार एक घना पतला, इतना पतला आंख लगा के देखा और पार दिखण ना हो जा। उसकी माँ उसने डॉक्टर धोरे लेकिन डॉक्टर साहब मारे छोरे ने देखियो, इसका ना घी लागता ना दूध लागते ना बादाम लागता ना चमन पुरास लागता, खवा खवा का हार ली। डॉक्टर साहब ही का के लागेगा? डॉक्टर बोला घर ले जाओ, इसका दाग लागेगा। ए मेरी दादी जी भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो अब वो छोरा फिर बाद में बड़ा हो गया, फिर भी सिंगल हड्डी बिल्कुल पांछड़ी दिखा डोन हो रहा, मुंह में सिगरेट लगा रहा। रेल में बैठा जा, रेल में दो आदमिया की सीट पे एक ला चौड़ा होकर बैठा, मुंह में सिगरेट नू,
एक आया ना भाई थोड़ा परे न होले मैं भी बैठ जाऊं, बोला तने बेरा है मैं कौन हूं। अब इतनी कहते उसने सोची भाई शरीर तो आजकल आदमी का अंदाजा नहीं होता, के बेरा के हो। बोला ठीक है भाई मैं तो पीछे चला जाऊंगा। वो पीछे चला गया, थोड़ी देर में एक और आया, आके उस तो बोला ना भाई थोड़ा परे न होले 500 रुपए सुग्रीव जी मान सम्मान करते धन्यवाद। बोला भाई थोड़ा परे ना होले मैं भी बैठ जाऊंगा, दो आदमी की सीट गिरा। बोला तने बेरा है मैं कौन हूं। अब इतनी कहते उसने सोची भाई कोई बदमाश हो बंदूक बंदूक ले रहा हो, टिच दे नीचे कर दे, बाल बच्चे वाला आदमी डरेगा, वो भी पीछे चला गया। अब थोड़ी देर बीती थी, अगले स्टेशन पे एक पहलवान था। अब वो गांव में पीछे कुश्ती में हार का आया और उसका छो तो पीछे का है, उठा तेरी बाण का नाश हो गया। और वो रेल में चढ़ा, वो दिख गया सब पहला चौड़ा होगा बैठा। उसने बोले ओ पहलवान पर है नो। अब उसने तो वो बात नुकतन बेरो से मैं कौन छू। अब इतनी कहने की देर थी, उसने तो पकड़ के मुंडी उठा लिया। हाँ के है तो बोले भाई बीमार सुतला दर्द मर जाऊंगा। आदमी ने मीठा बोलना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरी कली में के दर्द जब बोले जब आडा बोले, जब बोले जब आटा बोले लगा जुबा के ताला। मन चाहे अरे मन चाहे उत्पात करे तेरा बंदे अगम ते पाड़ा। मात पिता अरे मात पिता तेरा कुटुम कबीला तू जिनका बनया रुखाड़ा। पल भर में एक पल भर में समय न पलट दे वो लीले तंबू वाला। पल भर में समय न पलट दे लीले तंबू वाला। मन का दरिया तेरे तन की किस्ती रे 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 रे। मन का दरिया तेरे तन की किस्ती क्यों निर्भय होया फिर ऐसे। चार दिना की चमड़े चांदनी पंडित देवीदत्त ने नुक देख लिया तेरी नगरी में न्या भगवान नहीं से, मरे हुए पे घी गेरा जीते जी शान नहीं से। अरे मरया हुआ मानस 1 लाख का जीते जी तो दे ले, पूरन मल चाहे गांधी जी इतिहास किसे का ले ले। कदे सुख ते पानी ना पिया कष्ट रात दिन जे ले, अद मंदिर बन रहे पूजा हो रही हर वर्ष लागते मेले। श्री देवीदत्त कहे अरे जीते जी की कोई पहचान नहीं से, मरे हुए पे घी गेरे जीते जी शान नहीं से। जब तक आदमी जीवे का कोई कदर नहीं करेगा, बाबा जीवे सुधा लठ मारेंगे मर जाओ फिर न कुमारा बाबा बहुत अच्छा था, मूर्ति बनवाओगे गांव में काज करवाओगे कोई फायदा नहीं। कि मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, अरे मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा। अगर जीते जी कांटे बोए मरे पाछे फूल चढ़ा के होगा। वे रहे तड़पते वस्त्र बिना, रहे तड़पते कपड़ों के बिना, मरे बाद उनकी अर्थी पर महंगा शाल उड़ा के होगा। अरे घर में भूखे सड़ा दिए खान को खाने ना पूछा, फिर उनके मरे बाद तेरा मिकरा का गांव जिमा के होगा। लेकिन सजनों माँ बाप की सेवा इतनी दुर्लभ है, जब कर ले भगवान की सेवा तभी बड़ी माँ बाप की सेवा बताइए। लेकिन आजकल के माँ बाप भी घने बोले, पहले टेम में दादी एक ताई बिचारी इतनी भोली कुछ नहीं बेरा रोड पे जा। अब 1 किलोमीटर वाले नए नए पत्थर लागे थे, वो किलोमीटर वाला पत्थर दिख गया ताई ने। मंदिर में जाती पूजा करण पूजा का सामान था, वो पत्थर दिख गया किलोमीटर वाला, उसका कहीं मुंदी होगी। खील चढ़ा दिए, पताशे चढ़ा दिए, नारियल फोड़ दिया। वो बाबा तू ही सुना गो मेरी तो। अब मैं गया मग ताई के करे, बोले बेटा हाथ जोड़ ले बाबा है। मग ताई बाबो को ना पत्थर से बोले आप पढ़ के बता के लिख रखे मंगता ही अपन लिख रखे एक बैरोड 15 किलोमीटर नु देख ले। ए नी बाबा उरे बैठा बैठा बता दी बैरोड कितनी दूर हो बाबा। अरो वनु बाबा ब्याह करवा मेरे छोरा को। जमाना भोला था, आज की डेट में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हो गए, जमाना बदल गया। आखिरी कली में पंडित देवीदत्त ने निचोड़ कर दिया, नु कह दिया कि इंसान ने
एक इतना दुर्लभ जन्म मिला इंसान का, कदे गधे कुत्ते बिल्ली परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, इंसान परमात्मा का भजन कर सकता है। परमात्मा का भजन करना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। आखिरी कले मैंने चोड़ कर दिया, के दर्शाया किसे की भी की भी कोन्या माने, किसे की भी कोन्या माने, किसी तेरी के अस्ती होगी। एक दिन उजड़े तू एक दिन उजड़े, गा और जागा या नगरी न्यू बसती होगी। देवी दत्त श्री देवी दत्त कहे, वृद्ध अवस्था में बवर बीच किसती होगी। उस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सब ते सस्ती होगी है। नेक चाल कमा के खाए रे 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 रे, नेक चाल कमा के खा बस आए बात सरे से। जोरदार ताली।